हेलो दोस्तों, बहुत सारे सेलर्स या बहुत सारे नया सेलर्स भी अमेजन एडवर्टाइजमेंट को लेके ओवर कॉन्फिडेंट है। वो क्या करते हैं ना, जैसे तैसे करके एक दो कैंपेन्स तो लॉन्च कर ही लेते हैं, बट फाइनली क्या होता है ना, उनका कैंपेन्स लॉस में चला जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना टाइप्स का आप अमेजन एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, उसका ओवरव्यूज क्या है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट किस लिए रन किया जाता है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकती है और कौन सा कम रिजल्ट मिल सकती है, नहीं तो आपको फाइनली अमेजन एडवर्टाइजमेंट में लॉस दिखने लगेगा। एक है जो नॉन ब्रांड ओनर्स है, जो सेलर्स के पास ब्रांड नहीं है, वो एक ही टाइप का कैंपेन्स रन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट। और जो ब्रांड ओनर्स है वो तीनों टाइप्स का कैंपेन्स चला सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट हो गया जो कि नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड के लिए सेम है, और दो यूनिक वैरायटी का कैंपेन्स आप वो लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि हो गया स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन्स। स्पॉन्सर प्रोडक्ट का अंडर पे आपको मिलेगा, देखिए उसमें दो वैरायटी का कैंपेन है, एक है मैनुअल कैंपेन्स, एक है ऑटो कैंपेन्स। हम लोग फर्स्ट मान लीजिए डिस्कस करेंगे मैनुअल कैंपेन्स का अंडर पे। देखिए उसमें होता है दो वैरायटी का, एक है कीवर्ड टारगेटिंग, एक है प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग जो करेंगे उसमें तीन वैरायटीज है, एक है ब्रॉड मैच, एक है सेकंड है फ्रेज मैच और थर्ड है एग्जैक्ट मैच। हम लोग अभी बात करते हैं कीवर्ड का ब्रॉड मैच का ऊपर। वो ब्रॉड मैच मतलब एज ए नेम सजेस्ट, ये ब्रॉडली टारगेट करेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है नीम ऑयल फॉर प्लांट्स, जो कीवर्ड्स को मैंने टारगेट किया हूँ, बट यहाँ पे जो आड़ मेरे को शो हुई है, सेकेंडली नीम ऑयल 500 फॉर प्लांट्स, नीम ऑयल फॉर प्लांट, नीम ऑयल प्लांट्स 1 लीटर, ऐसे कस्टमर सर्च टर्म का ऊपर वो टारगेट हुआ है। मतलब ये हुआ कि नीम ऑयल एंड प्लांट्स, देखिए प्रीपोजिशन जो भी है उसको छोड़ दीजिए, ये जो तीनों कीवर्ड है जो कस्टमर सर्च टर्म में रहेगा वो पर्टिकुलर सर्च टर्म्स टारगेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जितना सारा कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए नीम है, ऑयल है, प्लांट है, नीम है, ऑयल है, प्लांट है, दो ये जो फॉर था, फॉर एक प्रीपोजिशन था, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं होने से भी चल जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने टारगेट किया हूँ प्लांट्स, बट यहाँ पे देखिए प्लांट पे भी, यहाँ पे क्या है ना प्लांट है, प्लांट पे भी टारगेट हो सकती है। सिंगुलर प्लूरल्स फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, और जो उसका प्रीपोजिशंस वगैरह है वो भी कुछ रहेगा नहीं रहेगा उसमें भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं फ्रेज मैच का ऊपर, कीवर्ड्स का फ्रेज मैच। मान लीजिए मैंने कुछ सिस्टम दिया हूं लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर पे देखिए जैसे वो लिखा है लिक्विड एंड फर्टिलाइजर, देखिए वहां पे क्या है, देखिए जो एक्चुअली जहां पर मेरा आड़ शो हुई है, देखिए लिक्विड फर्टिलाइजर ये पूरा लग के है, और देखिए वहां उसका पीछे हो या कुछ सिस्टम उसका आगे हो तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट शो होने लगेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइजर, देखिए लिक्विड फर्टिलाइजर फॉर फ्लावर्स, देखिए लिक्विड फर्टिलाइजर कंटिन्यूअस है, बट फ्लावर देखिए यहाँ पे फ्लावर भी आगे उसका लगा हो। जो फ्रेश मैच है, जो दोनों भी दोनों कीवर्ड्स है या उसमें मान लीजिए 5 कीवर्ड जो भी है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। देन अभी हम लोग बात करते हैं ना एग्जैक्ट मैच का ऊपर। एग्जैक्ट मैच मतलब पूरा एग्जैक्ट मैच, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पेस्टिसाइड फॉर प्लांट होम गार्डन, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम सिस्टम रहेगा तब जाके मेरा आर शो होगा। जब आप एग्जैक्ट मैच पे आप रन कर रहे हैं आर्ट्स को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सिस्टम पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा ही होगा, नहीं तो आप लॉस करे बैठेंगे। मान लीजिए वो कीवर्ड्स का ऊपर आपका सेल नहीं होता है, आप कितने भी एड स्पेंड कर दीजिए आपका वो
वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी। तो जब आप कीवर्ड का ब्रॉड मैच पे आप टारगेट कर रहे हैं या फ्रेश मैच पे या एग्जैक्ट पे, आप सोच समझ के कीजिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ब्रॉड मैच आप इसलिए रन करते हैं कि आप को कुछ पता ही नहीं है, आप एक ब्रॉड सेंस पे टारगेट कर रहे हैं कुछ कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बट जब थोड़ा कीवर्ड्स आपका एक्सप्लोर हो जाएगी तो आप क्या करेंगे ना, कुछ उसका फ्रेश जो है आप फ्रेश टारगेटिंग करने लगेंगे। मान लीजिए फ्रेश टारगेटिंग पे आप सेटिस्फाई हो गए, देन आप एग्जैक्ट के लिए जाएंगे कि ये वाला जो कीवर्ड्स है मेरा एग्जैक्ट है जो कि मेरे को सेल्स दे सकती है। ऐसा नहीं है कि सब में डाल दीजिए एग्जैक्ट वाला डाल दीजिए वो सेल्स देगा ही देगा, ऐसा कभी भी नहीं है। ईकम डायरी उसका 1-to-1 ट्रेनिंग सेक्शन स्टार्ट कर दी है। ये सेक्शन 1 आवर के लिए रहेगा, उसमें जो भी आपका डाउट्स है जो भी आपका डिफिकल्टीज है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। उसमें मैं लाइव कॉल पे आऊँगा और जो भी उसका आपका क्वेरीज है मैं उसमें सॉर्ट आउट करूँगा। उसका साथ साथ आपको कुछ वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा, जो वीडियो को देखने के बाद आप आपका अकाउंट पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूर उसमें क्या होगा ना, आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। अभी हम लोग बात करते हैं कि अमेजोन का प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऊपर। प्रोडक्ट टारगेटिंग दो तरीका होता है, एक है इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग और एक होता है कैटेगरी टारगेटिंग। इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्या होता है ना, आप क्या करते हैं ना, चुन चुन के कुछ आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट्स को ढूंढ के लाते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट से बेहतर है। आपको जहाँ पर लगता है कि ये प्रोडक्ट का सामने या मेरा कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट का सामने, मान लीजिए मैं मेरा प्रोडक्ट रखूँगा तो मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं ना, टारगेटिंग करते हैं कि ये जो कस्टमर्स जब मेरा कॉम्पिटिटर्स का इसी प्रोडक्ट के ऊपर आएगा तो मेरा प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो। मेरा प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा तो हो सकता है मेरे को तो पता है कि मेरा क्या होगा ना, मान लीजिए कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट और मेरा प्रोडक्ट को कंपैरिजन होगा तो मेरा प्रोडक्ट को क्या करेगा ना, कस्टमर ने परचेस कर लेगा। सेकेंडली क्या है ना, कैटेगरी टारगेटिंग। कैटेगरी टारगेटिंग का मतलब ये है कि आप ब्रॉड सेंस में एक कैटेगरी को टारगेट कर लिए। कैटेगरी में मान लीजिए 1000 प्रोडक्ट्स है, आप टोटल 1000 प्रोडक्ट्स का ऊपर आप जो टारगेट कर रहे हैं। उसका बाद आप क्या कर सकते हैं ना, कुछ फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। फिल्टर्स मतलब मान लीजिए आप सोचें कि वो कैटेगरी का ऊपर जो प्रोडक्ट का ऊपर बिलो 3 स्टार का रिव्यू है वो प्रोडक्ट को आप टारगेट करेंगे। मान लीजिए वो कैटेगरी 1000 प्रोडक्ट्स होगा, ये मान लीजिए आप क्या करेंगे ना, रेटिंग का फिल्टर लगा देंगे बिलो 3 स्टार रेटिंग, तो ये हो सकता है 200-300 प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी टारगेट करने के लिए। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है उसमें 5 स्टार रेटिंग है या 4 स्टार रेटिंग है, मान लीजिए आप टारगेट किए 3 स्टार प्रोडक्ट को, वहाँ पे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट कंपैरिजन होगा तो हो सकता है बायर्स क्या करेगा ना, आपका प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा। और भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 500 रुपीज़, मान लीजिए सिमिलर प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 600 रुपीज़, आप मान लीजिए 600 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के पास आपका प्रोडक्ट आपने दिखा दिए तो हो सकता है बायर्स क्या होगा ना, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइसिंग है और आपका प्रोडक्ट कम प्राइसिंग में है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट क्या करेगा ना, परचेस कर लेगा। अभी चलते हैं ऑटो कैंपेन्स का ऊपर। ऑटो कैंपेन्स में क्या है कि आपने क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे और जो कीवर्ड्स का टारगेट हो या आप जो प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे थे ये दोनों अमेजन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे। अमेजन डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कार्ड कौन सा कीवर्ड का ऊपर शो होगा और कौन सा प्रोडक्ट का पेज पे शो होगा। ये कैसे वो अमेजन डिसाइड करती है, अमेजन डिसाइड ऐसे करता है कि आपका जो लिस्टिंग्स है वो लिस्टिंग पे कौन सा कीवर्ड है उसी को लेके वो क्या करता है ना, उसका एल्गोरिथम एनालाइज करता है। एनालाइज करके वो क्या करता है ना, आपका प्रोडक्ट जहाँ पर सूटेबल है वो दिखाना शुरू कर देता है। ऑटो कैंपेन्स आप 5 वेराइटी का ऑटो कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं। एक है ऑटो, ऑटो पे मान लीजिए आप डालेंगे तो ये 5 उसका अंडर पे 4 जो कैंपेन्स है चारों मिल के रन होगा। और भी आप काम कर सकते हैं ना, इंडिविजुअली कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे ऑटो कैंपेन्स के अंडर पे ऑटो है, मान लीजिए मैं ऑटो कैंपेन्स में डायरेक्टली रन कर दूंगा तो क्या होगा ना, ये जो लूज मैच, क्लोज मैच, कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट है ये चारों कॉन्सेप्ट में ऑटोमेटिकली ये रन होने लगेगा।
बट मान लीजिए मैं चाहता हूँ ऑटो कैंपेन्स में ओनली मैं लूज मैस में कैंपेन्स में रन करूँगा, ये भी पॉसिबल है। आप ऐसे भी कैंपेन्स को लॉन्च कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो क्लोज मैस पे भी आप रन कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स पे भी रन कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट पे भी रन कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपको पूछा जाए कि आप कितने कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं ना, 10 कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं। देखिए कीवर्ड्स टारगेटिंग पे 3 कैंपेन्स और प्रोडक्ट टारगेटिंग में 2 कैंपेन्स हो गया टोटल 5, और ऑटो कैंपेन्स पे भी आप कितना कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं ना, 5 कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं। टोटल आपको 10 कैंपेन्स आप एक ही साथ लॉन्च कर सकते हैं, कोई उसमें इशू है ही नहीं। बट आप करते क्या है, आप ओनली करते हैं ब्रॉड मैच, फ्रेश मैच और एग्जैक्ट, वो सब और नहीं करते हैं। करते भी हैं वो सही ढंग से नहीं करते हैं, जिसके चलते क्या होती है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। स्पॉन्सर ब्रांड एड रन करने के लिए आपको आपका जो जो ब्रांड है वो अमेजन पे एनरोल करना पड़ेगा। जब आप अमेजन ब्रांड लिस्ट पे आप एनरोल कर देंगे तब जाके क्या होगा ना, आपको स्पॉन्सर ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए आपको परमिशन मिल जाएगी। स्पॉन्सर ब्रांड पे आपको हेडलाइन एड्स भी आप चला सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं ना, वीडियो एड भी चला सकते हैं। और लास्ट में ये होता है ना स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर डिस्प्ले पे जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट्स पे मान लीजिए हम लोग कुछ चीज़ पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, वहाँ पे कुछ एड्स तो होती है, उसको बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। ये स्पॉन्सर डिस्प्ले जो एड्स है ये ऑफलाइन और ऑन अमेजन पेजेस पे भी अवेलेबल है। यही है बेसिकली अमेजन का टोटल एडवर्टाइजमेंट का ओवरव्यू।